वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने ऑनलाइन बीपीएल सर्टिफिकेट बनवाना चालू कर दिया। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपना बीपीएल सर्टिफिकेट को नहीं बनाया है तो अब आप घर बैठे अपने मोबाइल में खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके अपना बीपीएल सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो बीपीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आप आसानी से अपना बीपीएल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको भारत सरकार के इस पोर्टल पर चले आना है, india.gov.in। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सर्च का, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बीपीएल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको बीपीएल सर्टिफिकेट लिख लेने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीपीएल सर्टिफिकेट का जितना यूआरएल है सारा यूआरएल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जिस जिस स्टेट का बीपीएल सर्टिफिकेट बन रहा है उस स्टेट का यहाँ पे आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन सर्टिफिकेट इन महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अगर आपको इस पेज पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा है महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा जो स्टेट है सारा स्टेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जिस स्टेट का है आपको उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर बीपीएल सर्टिफिकेट। तो आपको करना क्या है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आ जाता है, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे करना है क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है ये अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर बीपीएल सर्टिफिकेट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और सबसे यहाँ पे आपको एक बात और क्या है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो कोई फीस है वो नहीं लगने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे आपको जीरो दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर फी, ये भी आपका बिल्कुल जीरो, मतलब आपका जो बीपीएल सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल मुफ्त में बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो लॉगिंग टू अप्लाई का बटन दिख रहा है ये लॉगिंग टू अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड। अगर आपका पहले से यहाँ पे यूजर आईडी बना हुआ है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टच कर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर आईडी पासवर्ड और जो कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है न्यू एप्लीकेशन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो
जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद विलेज और उसके बाद हाउस नंबर या स्ट्रीट, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको क्या करना होगा, बीपीएल सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों का बनेगा जिसका बीपीएल में नाम है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम को सर्च करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बीपीएल सर्च, तो पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएल बाय नेम, बाय आधार और बाय फैमिली। तो यहाँ पे पहले क्या करना होगा, आपका जो नाम है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद ग्राम पंचायत। ये सारा चीज यहाँ पे फिल कर लेने के बाद आप सर्च पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका बीपीएल में नाम है या नहीं है। अगर आपका बीपीएल में नाम है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका जो ये फॉर्म है ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, इसमें आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं होगी। सारा चीज फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको ये मोड ऑफ डिलीवरी वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो आप अपने सर्टिफिकेट को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं या ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको फाइनली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो सबमिट का आपको बटन दिख रहा है ये सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप घर बैठे आसानी से अपना बीपीएल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।